शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जैसा सुना था वैसा ही पाया। ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती काफी रंग लाएगी। जुर्म की जिंदगी में समझदारी से ही काम लेना पड़ता है। रतन कानून से बचकर काम करता है, उसे उलझ कर नहीं। मोगैम्बो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है। तुम्हारी मौत बन जाएगी। बंगो, देश पर कुर्बान होना हर हिंदुस्तानी का धर्म है। हम तुम्हारा धर्म जरूर तोड़वाएंगे। मौत भी नक्शा बनाने से पहले तुम तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, कभी नहीं। पिंकी को लाओ। पिंकी को ले आओ। नाथानी, मेरी गोट हमेशा दो चालें चलती है। तुम्हारे सामने तुम्हारी खूबसूरत लड़की की जवानी लूट ली जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पिंकी को लाओ। मेरी बेटी। नक्शा बनेगा या नहीं? छोड़ दो। रुक जाओ, तुम्हारी अकलमंदी तुम्हें माला माल कर देगी। ले आओ से। ये है बाहर की दीवार और यहां से अंदर जाने का खुफिया रास्ता। इसके बाद इस रास्ते से आप सीक्रेट चैम्बर में जाएंगे और सीक्रेट चैम्बर में पहुंचकर क्यों ना थाली पेश किया ना अपने मुल्क को। एक बेटी के लिए धरती मां से गद्दारी करती, वतन परस्त उसूलों को बेच दिया। लानत है तुम पर। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्या किया तूने दोगले कुत्ते? इसकी जान हमारे लिए बहुत जरूरी थी। सॉरी बॉस, गुस्से में वो। गुस्से में तू हमेशा गलत काम करता है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं, नहीं, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए बॉस, प्लीज। आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। दोबारा ऐसी गलती की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। उठो, हिंदुस्तान जाने की तैयारी करो। Thank you.
जय हिंद ऑफिसर्स, प्लीज एवरीबॉडी सिट डाउन। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी एक रिपोर्ट आई है, आप लोग जरा पहले उसे सुन लीजिए। पढ़ो। यस सर। हमें पता चला है कि दुनिया के खतरनाक मुजरिम मोगाम्बो का इरादा हिंदुस्तान आने का है। माने हुए जासूस डिपार्टमेंट इंटरपोल से सिर्फ इतनी पहचान मिली है कि मोगाम्बो जिस देश में जाता है वहां के बदमाशों से काम लेता है, ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो कानून के हाथ मोगाम्बो तक ना पहुंच सके, सिर्फ बदमाशों में उलझे रहें। और इधर बंबई में कई जाने पहचाने बदमाशों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है, लेकिन इतना याद रखिए कि मोगाम्बो कोई सोने चांदी का स्मगलर नहीं और नहीं किसी देश का एजेंट, लेकिन फिर भी जिसकी मौजूदगी हर उस देश की शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जहां वो हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तौर पर कई कदम उठाए हैं, फिर भी हमें अपनी पूरी कोशिश करके मोगाम्बो को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना है। उसकी गिरफ्तारी हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट की शानदार कामयाबी होगी। मुझे ये आदमी चाहिए। कौन है ये? फ्लैश क्लब का मालिक रतन। काफी होशियार और बहादुर आदमी है। अकेला काम करता है, सिर्फ एक बेवकूफ साथी है रेडी, वो भी सिर्फ क्लब के लिए। दौलत की ताकत से लेकर पिंकी की चाहत तक, किसी भी कीमत पर हमें से अपना बनाना है। मिस्टर मोगाम्बो, तुमने पिंकी को बेबस कर रखा है, उसकी भावनाओं को नहीं। हम तुम्हारी सांसों तक पर अपना कब्जा रखते हैं पिंकी। मत भूलो कि हमारे काम से इनकार करके तुम अपने पिता की जिंदगी से हाथ धो लोगी। हम बाप बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे जीवन से खेल रहे हो? शतरंज की बिसात पर चलने वाले मोरों का काम चलना है पिंकी। खेल क्यों है, क्या है, ये खिलाड़ी ही बेहतर जानता है। लेकिन बॉस, ये काम अपना माइक नहीं कर सकता? नहीं मम्बा, माइक की जिंदगी मैं दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि पिंकी माइक से मोहब्बत करती है और पिंकी जैसी साथी की ख्वाहिशों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। तुम दोनों रतन के क्लब जाओगे और वहां सेंटर टेबल बैठा हो आज ही। हाँ ना, अच्छा मैं देखता। थैंक यू सर। Blind. 400 रुपए।
400 grand. Good luck. Thank you. Sure. 3 aces. एक पैक में 6 इक्के नहीं होते काली। ये क्या बात है मिजी? आलिए, आज के बाद अगर तो इस क्लब के सामने भी नजर आया तो तेरी खाल उतार कर 52 पत्ते बना दूंगा, समझे? हाय हैंसम, ये कुर्सी नहीं टेबल है, आपकी तारीफ। क्या बात है, जैसा सुना था वैसा ही पाया, निडर, बहादुर और मतलब की बात कीजिए मैडम। मतलब हमें तुम्हारी बहादुरी का फायदा उठाना है, कीमत तुम रतन कभी बिकता नहीं मैडम। ना बिकने वाला रतन बेकार पत्थर कहलाता है। वैसे कीमत सिर्फ काम की होगी। सिगरेट? प्रिया, वैसे मैं किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता। मेरे साथ काम करके तुम्हें काफी फायदा होगा। तुम्हारे साथ काम करके जैसे फायदा होगा सो होगा, मुझे ऐसे फायदे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, पैसे के लिए नहीं, मेरे लिए सही। मैंने क्या दिया ना मैडम? फैसला सोच कर करना, फिर मिलेंगे। गुड नाइट। सर, जो लड़की मेरे कमरे से गई है उसका पीछा करो। लड़की है यार। या मुर्गा, ये किधर गया? इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, गाड़ी के नीचे। हाय, कौन मर गया? हाय, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? हम पीछा? अरे तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मेरे को आंख मारा जो? मैंने आंख मारी? हाँ, मैं तुम मारा अम्मा। तुम्हें लगी? लग तो नहीं गया जीवा। ओ, तो फिर रास्ते में गिर गई होगी। आंख रास्ते में गिर गया? हाँ। आइया मैं पास से बिल। तुम उठा कर ले आओ ना, किसी का पैर लग गया तो टूट जाएगा। आइया अम्मा, टूट गया तो बहुत गड़बड़ हुआ। हाँ। मैं ले के आता हूँ। अम्मा अर्जेंट ले आ रहा। हाँ, जल्दी लाओ। व्हाट, वो ऐसा आंख मारा है का? नहीं, फिर गिर कैसे गया वो? पूछ क्या हो जी? अम्मा भाग गया। ये रेडी दौका दौका सर। सॉरी सर,
वो लड़की बहुत स्मार्ट है, हमको धोखा दे के भाग गया। अच्छा देखो इस लाइटर में उसकी फोटो है, है ना, पता करो वो कौन है और किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है। यस सर। तुम्हारी खाल के 54 पत्ते बनाऊंगा जिनमें 2 फंटूश भी शामिल होंगे। साहब बहुत देर कर दी हो, मेम साहब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मेम साहब? कौन मेम साहब? हम कहा जानी साहब, हमसे तो कहा था कि आप ही बुलाए इन्हें। कपड़े पहनकर बाहर आओ। Thank you.
इंतजार में बड़ी उकताहट होती है, गर्मी ज्यादा थी और तुम भी न थे, सोचा ना लो। वैसे तुम्हारा बाथरूम बहुत अच्छा है। देखिए मैडम, मैडम नहीं, पिंकी, मिस पिंकी। मिस पिंकी, मैं इन सब चीजों का आदि नहीं, समझी? तो मैं बना दूंगी। मिस पिंकी, आखिर तुम चाहती क्या? तुम्हें तुम्हें एक दोस्त का तोहफा देना चाहती हूँ। वो तोहफा शायद मेरे पास है। मंजिल तक पहुंचकर अधूरा काम करना शायद तुम्हारी आदत है। क्या मतलब? मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ काम करोगे चाहे तुम। रतन, जानता हूं, तस्वीरें पसंद आई? कौन हो तुम? पिंकी के साथ आ जाओ, मालूम हो जाएगा। अगर मैं ना चलूं तो मैं चली जाऊंगी, और अगर मैं जाने ना दूं तो मैं रुक जाऊंगी। रुक जाऊं? होशियारी नहीं, वैसे मेरा ड्राइवर अल्बर्टो है, गूंगा और बहरा। आओ मेरे साथ। चाहिए, मेरी हद यहां तक ही है। गुड लक हैंसम। वेलकम मेरे दोस्त, वेलकम। बदमाशों की दुनिया के कीमती रतन का मोगेम्बो स्वागत करता है। मुझे उम्मीद है यहां तक आने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। कौन हो तुम? तुम जैसे कीमती नगों का जौहरी, नाम मोगेम्बो है और पहचान है ये छड़ी। सामने आकर बात क्यों नहीं करते? जब तक आदमी की वफादारी का यकीन ना हो जाए मैं सामने नहीं आता, और अनदेखे लोगों से मैं बात नहीं करता। बात और काम दोनों ही तुम्हें करने पड़ेंगे, वरना मम्बा के खून की फोटो पुलिस तक पहुंच जाएगी। यही ना मिस्टर मोगेम्बो, तुमने अभी तक रतन को ठीक से नहीं पहचाना। पहचाना ना होता तो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। तुम्हें मेरा एक काम करना है। काम क्या है? वो भी बता दिया जाएगा, पहले तुम्हें उस काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। मिस्टर मोगेम्बो, रतन बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। अच्छे बदमाश में ये आदत जरूर होनी चाहिए। रतन, इस काम में तुम्हें 10 लाख का फायदा होगा।
इतना कीमती काम क्या हो सकता है? यह पूछना तुम्हारा काम नहीं। टेबल पर रखे बैग में 2 लाख रुपए हैं तुम्हारा एडवांस। होटल हिलचन में तुम्हारे लिए कमरा बुक है। 1 महीने के लिए तुम अपनी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में चले आओ। अब तुम जा सकते हो, पिंकी तुम्हें छोड़ आएगी। बहुत खूब रतन, बहुत खूब। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था जो किसी भी मुश्किल से टकराने की कोशिश कर सके। रतन का टकराव अभी तक तुमने देखा नहीं मिस्टर मोगैम्बो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, खिलाड़ी तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जैसा शातिर पहली बार मिला है। ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती काफी रंग लाएगी। तुम्हारी दोस्ती की कदर करता हूं रतन, लेकिन इतना याद रखना कि आइंदा मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारी कोशिश तुम्हारी मौत बन सकती है। मरने वाले का नाम मोम्बा था। मरने से पहले रतन की क्लब में रतन से उसका झगड़ा हुआ था। मैं समझता हूं इस खून में रतन का हाथ जरूर होगा। हो सकता है। रतन की जिंदगी के हालात यही साबित करते हैं कि वो हमेशा कानूनी दाव पेचे से बचने की कोशिश कर रहा है। बिना सबूत के हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। एनीवे, तुम रतन पर पूरी नजर रखो और उसके बाद बंद गाड़ी में मुझे घर के सामने छोड़ गया। वो कौन है, क्या चाहता है, मैं कुछ नहीं जानता। अरे माला, कहाँ जा रही हो? जहाँ तुम जा रहे हो। मैं तो बिजनेस के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मेरे साथ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो जरूर हो जाएगा। सुनो माला। भैया, बचपन से आज तक मैं हमेशा हॉस्टल में रही हूँ। माँ बाप का सुख तो नसीब में था ही नहीं। एक भाई है जिसका प्यार बरसों में नहीं मिल पाता। अरे पगली, भाई की मोहब्बत कभी बहन से दूर रहती है। मैं तो हर पल तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छे से अच्छा तुझे खिलाऊं पिलाऊं, किसी अच्छे से घर में तेरी शादी कर दूं। फिर वही बात, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रामू चाचा, मेरे सामान में टैक्सी में रख दो। अच्छा बिटिया। माला, बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। अरे तू इतनी बड़ी हो गई, अभी तक तेरी जिद नहीं गई। अच्छा देख, अब की बार मुझे जाने दे, आइंदा मैं तुझे हमेशा अपने साथ ले जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल बस दे, हंस दे, हंस दे। मेरा नाम रतन है। यस सर, सूट 423। आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हियर। आई होप सो टू। थैंक यू। मेरा सामान ऊपर भिजवा दो। ओके सर। वेटर, पहुंच गया है, रूम नंबर 423। ठीक है, उस पर गहरी नजर रखो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके बॉस। हेलो
ही जिसकी आवाज तुम कैद करना चाहती हो। तुम यहाँ क्यों आए? मंजिल तक पहुंचकर अधूरा काम करना मेरी आदत नहीं। तो पूरा कर लो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस माइक का इस्तेमाल किस खुशी में किया जा रहा? सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए। मैं देखना चाहती थी कि तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिसे मोगैमो ने पसंद किया। कौन सी चीज है वो? ये माइक कई कमरों में रखा जा चुका है, लेकिन इसे लेकर मुझ तक पहुंचने वाले तुम पहले आदमी हो। बेफिक्र रहो, आखिरी भी मैं हूंगा। यकीन तो मुझे भी होता जा रहा है। वैसे तुमने कभी प्यार किया है? बेहद किया है, लेकिन अपने काम से। काम के अलावा और भी चीजें होती हैं प्यार करने के लिए। उसके लिए माहौल की जरूरत होती है। वो भी बन जाएगा। जरा सी देर में
उसका नाम पिंकी है। उसकी सूरत देखते ही सीमा की सूरत मेरी आंखों के सामने घूम गई, क्योंकि दोनों की सूरत में सिर्फ इतना फर्क है कि सीमा की आंखों की पुतली का रंग नीला है और पिंकी का काला। क्या हम उसे एक नजर देख नहीं सकते? नहीं, क्योंकि उस माहौल में तुम दोनों का ऐसे जाना ठीक नहीं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं सीमा की आंखों की पुतली का रंग बदलकर इसे पिंकी की जगह भेजना चाहता हूं। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो? खतरा जरूर है, लेकिन मेरी इस स्कीम की कामयाबी के लिए तुम्हें यह खतरा उठाना ही पड़ेगा सीमा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे यहाँ किसी तैराकी के मुकाबले के लिए बुलाया है। तुम्हें अकेले तैराने के लिए। किस खुशी में? ट्रेनिंग। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सांस रोकने की आदत डालनी है। इसकी वजह भी शायद मोगैम्बो ही जानता होगा। यकीनन। वो छड़ी किसने उठाई थी? कौन सी छड़ी? वही जिसपे हम दोनों की नजरें थी और दोनों के सामने वो गायब भी हो गई थी। वैसे तुम सांस कितनी देर रोक सकते हो? वो भी तुम देख लो। जरूरी है। हाय माइक, तुम कब आए? जस्ट नाउ। आदमी काफी जानदार है। कौन है ये? माइक, हमारे होटल का मैनेजर। ये भी ग्रुप का आदमी है? और मैं तुम्हें उनसे मिला दूं? चलो। माइक, मीट रतन। रतन, माइक। हेलो, हाउ डू डू। माइक अपने दोस्तों से इसी तरह मिलता है। नाइस, वेरी नाइस। उम्मीद है रतन की मुलाकात भी आपको ठीक लगी होगी। पिंकी, बाकी मुलाकातें कल करेंगे। आदमी काफी जानदार है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी ताकत दिखाने की? ताकि उसे पता चल जाए कि मोगैम्बो के साथी और पिंकी के प्यार के बाजू बेदम नहीं। अगर दम होता तो अब तक मेरे पिताजी मोगैम्बो की कैद में नहीं होते। तुम्हारे पिताजी मोगैम्बो की कैद में नहीं है। अगर वो कैद में होते तो माइक उन्हें कब का छुड़ा लाता। बिलीव मी, वो हमसे ज्यादा आजाद और खुश हैं। तुम उनसे मिले थे? सिर्फ एक बार। उन्होंने तुम्हें बहुत बहुत प्यार कहा है। भगवान मेरी उम्र भी उन्हें लगा दे। ए, तो फिर हम दोनों का क्या होगा? हट। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
काम के लिए गए थे, काम हुआ? माइक का कोई काम रुकता नहीं पिंकी। माल कब आ रहा है? कल दोपहर की फ्लाइट से मिसेस ब्राउन माल लाएगी। तुम मिसेस ब्राउन के पीछे और मैं तुम्हारे पीछे। कब तक? एक ना एक दिन तुम मेरा पीछा छोड़कर किसी और की हो जाओगे। अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। झूठे। देरी पिंकी, अगर ये काम हो जाए ना, हम और तुम लाखों की दौलत का सिलसिला। तुम खुश क्यों नहीं हो? कुछ नहीं मैं। कभी कभी मुझे जिंदगी की बहुत याद आती है। हम लोग क्रिमिनल काम करते हैं, इस बीच कहीं हम पकड़े गए तो हमारा क्या अंजाम होगा? कहीं स्विट्जरलैंड की जगह हिंदुस्तान की। नेगेटिव बातें नहीं किया करते। ये काम जरूर होगा, तुम्हें डैडी मिलेंगे और हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। ऑपरेटर आओ। देखो सीमा, माइक और पिंकी के क्या रिलेशन हैं उसे तुम्हें संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। आप फिक्र मत कीजिए। दैट्स गुड। ऑपरेटर ऑन। कालिए, आज के बाद अगर तू इस क्लब के सामने भी नजर आया तो तेरी खाल उतार कर 52 पत्ते बना दूंगा, समझे? ये रतन है शहर का एक गुंडा। पिंकी इसको ट्रेनिंग दे रही है पानी में सांस रोकने की, क्यों ये हमें जानना है। ये अल्बर्टो ड्राइवर है, बहुत कम किसी से बात करता है, पिंकी भी इससे ज्यादा बात नहीं करती। ये पिंकी डांस कर रही है। ऑपरेटर ऑफ। मेरे ख्याल में इतना काफी है, अगर तुम चाहो तो फिर दोबारा देख सकती हो। इसकी जरूरत नहीं, मैंने सब समझ लिया। गुड। अब तुम्हें अपनी ये नीली पुतलियों को छुपाने के लिए ये काली पुतलियां हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेंगी। अच्छा। You can go. Okay,
आई एम सॉरी मिस्टर माइक, आपको खामखा तकलीफ हुई। किसी शरीफ आदमी का आप लोग यूं वक्त खराब करते हैं, मैं नहीं जानता था। आई एम सॉरी, यू कैन गो। एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरा हाथ बह गया था। अफ्रीका मोटर रेस में फर्स्ट जाने वाली पिंकी का हाथ बिना किसी वजह के नहीं बह सकता। मैंने माइक की गाड़ी को पुलिस के जरिए रुकते देखा। माल मेरे पास था, इसलिए मैंने गाड़ी भगाई। और माल कहाँ है? मेरे पास। माइक, पिंकी के हाथ का बैठना तो सच हो सकता है, लेकिन पुलिस का तुम्हें रोकना कुछ गड़बड़ मालूम होता है। लेकिन बॉस, सिवाय रतन के हमें कोई नहीं जानता। मत भूलो कि कई बदमाश हमारी ट्रेनिंग की भेंट चढ़ चुके हैं, जिनकी तलाश पुलिस को जरूर होगी और शायद किसी दूसरी पार्टी को भी। मर्जी के खिलाफ यहां से हवा भी बाहर नहीं जा सकती। कौन है तुम्हारा बॉस? तुम कौन हो? सवाल मुझे करना है, तुम्हें नहीं। बताओ क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा? रतन को किस काम के लिए ट्रेन किया जा रहा है, बताओ। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। ए घरावे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? पिंकी बिल्कुल खामोश है। अब क्या होगा? कोशिश जारी है, तुम ड्रामा संभालो। हाय पिंकी, सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? मिस्टर रतन, क्या बात है, आज मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ? जरूर लग रहे हो। तो फिर इस हैंडसम की जगह मिस्टर रतन क्यों? वो एक्सीडेंट का असर अब तक मेरे दिमाग पर है, बैठो ना। थैंक यू। क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? बस कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत पूछने आया था, कैसी हो? थोड़ी कमजोरी के सिवा बाकी सब A1 है। वैसे डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। ओह दैट्स गुड, उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मुझे। क्यों? तुम्हारी डुबकियों से कुछ दिन तो बचा रहूंगा। हाय माइक। हेलो डार्लिंग, तुम यहां बैठे हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा हूं। हां, मुझसे बात कर रहे हो? क्या बात है? तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? ट्रेनिंग के लिए। ओ। रतन, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। बर्फ के इस कमरे में तुम्हें कम से कम 20 मिनट खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना याद रखना, जितना ज्यादा तुम खुद को कंट्रोल करोगे उतनी ही लंबी तुम्हारी जिंदगी होगी। माइक, मशीन ऑन करो। टेम्परेचर कम करो। करो।
शाबाश रतन, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही। वेल डन माय बॉय, वेल डन, बहुत अच्छे। रतन रतन मेरे बहादुर साथी, गर्मी महसूस करो। माइक टेम्परेचर नीचे करो। रतन सर्दी महसूस नहीं करो, सर्दी नहीं है यह गर्मी है, आग बरस रही है। वेल डन, बहुत अच्छे रतन, बहुत अच्छे बहादुर साथी, बहुत अच्छे। रतन अभी कुछ और टाइम बाकी है। गियरअप गियरअप गियरअप। रतन अभी सिर्फ एक मिनट बाकी है। शाबाश मेरे बहादुर साथी, शाबाश। बहुत अच्छे रतन, बहुत अच्छे। अपने आप को कंट्रोल करो, अपने को संभालो। रतन सिर्फ 45 सेकंड बाकी है। शाबाश, 30 सेकंड बाकी है। रतन अपने आप को कंट्रोल करो। 15 सेकंड रतन, 15 सेकंड। वेल डन माय बॉय, वेल डन। ऑफ द मशीन, ऑफ। फैंटास्टिक, वेल डन टाइगर। हैव अ ड्रिंक, इजी इजी। बेटी चाय। मेरा कोई नहीं, मुझे अकेले छोड़ दो। सुनो बेटी सुनो, तुम सब लोग पागल हो क्या? हाँ बेटी, ममता की प्यासी औरत पागल ही होती है। आज 12 साल के बाद तुझे देखा है और वो भी इस हाल में। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग मेरी जबान से एक लफ्ज भी नहीं खुलवा सकते। ममता को ड्रामा मत कहो बेटी, देखो मेरी तरफ देखो, पहचानो मुझे। याद करो पिंकी, जब तुम और सीमा छोटे थे तो रात को मेरे साथ सोने के लिए लड़ते थे, जब तक लोरी ना सुना दो तुझे नींद नहीं आती थी। लोरी, सीमा, तुम लोग का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए। ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी माँ जिंदा हूँ। देख देख, मैं तेरे सामने हूँ। तेरे डैडी मुझे छोड़कर चले गए। सीमा और तुम दोनों जुड़वा बहने, एक शक्ल, एक कद, एक ही डाली पर खिले जैसे दो फूल। तेरे डैडी ने मुझे तलाक दे दिया और छोड़कर अफ्रीका चले गए। हम जब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो उनका दिल पसीजेगा और रगों में खून जोश मारेगा। हम सब बेटा फिर से एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तुम्हारी कहानी अच्छी है लेकिन एक्टिंग कमजोर है। याद रखो मेरा नाम पिंकी है, मैं किसी के जाल में फंसने वाली नहीं। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी कोई माँ नहीं, तू हो जा मेरी नजर से। मेरा कोई नहीं, मेरी कोई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, डर गई थी, पता नहीं कौन है। किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत है जो हमारी जगह ले सके? किसी की नहीं। क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, प्यार की दवा से तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। बस बस डॉक्टर साहब, आपके प्यार का इलाज कहीं बीमारी की जान ना ले ले। जान देने वाले जान लिया नहीं करते मेरी जान। कम ऑन माइक, प्लीज कम ऑन प्लीज माइक, कम ऑन माइक प्लीज। कोई आया है?
क्या है? साहब, रीना मैम साहब आपसे मिलना चाहती है। रीना? ये रीना कौन है? इस होटल के मालिक की लड़की। आज पहली तारीख है ना, किराया वसूल करने आई होगी। मैं चुकता करके आता हूं। गुड आफ्टरनून मिस रीना। गुड आफ्टरनून। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। जगह देने के बाद मालिक को इंतजार करना ही पड़ता है। लेकिन मालिक तो फिर भी मालिक ही होता है ना। How's your father? First class। किराया? किराया की इतनी जल्दी क्या है? किराए से पहले ठंडा कुछ गरम। शुक्रिया, ये वक्त न ठंडे का है न गरम का। मेरा ख्याल है मिस रीना, हर वक्त हर चीज का होता है, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो। माइक, मेरा ख्याल है ये बातें जरूरी नहीं। हर बात जरूरत के लिए नहीं होती मिस रीना। दिल किसी चीज को पसंद करता है, दिमाग सारे जिस्म को गुम कर देता है, और जबान सिर्फ वही कहती है जो सच है। और सच क्या है? सच। अरे 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 अरे, अरे ये क्या? चल।
आधा वर्ष। बरकोटदार, आपको तो हिंदी पढ़ना जरूर आती होगी। क्यों? अरे फंस गया हूँ साहब, बेगम साहबा ने अजीब मजाक फरमाया, हमें खत लिखा और वो भी हिंदी में। अगर आप पढ़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये लीजिए। मैंने सुबह आपका पीछा किया लेकिन धोखा खा गया। एक नंबर की दो गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं, दूसरी गाड़ी इस होटल के मालिक की बेटी रीना चला रही थी। मालिक खंडाला में रहता है, अगली बार कोशिश करूंगा। अंधेरे के साथियों को रोशनी की जरूरत नहीं होती रतन। तुम वरना गोली सीने के पार हो जाएगी। मैं अपनी हिफाजत से कभी गाफिल नहीं होता रतन। इस बेईमानी का मतलब यह बेईमानी नहीं समझदारी है मिस्टर मोगैम्बो। मैं उनमें से नहीं जो तुम्हारी छड़ी के इशारों पर नाचता रहे। अपनी हिफाजत करना मेरा भी फर्ज। तुम्हारी हिफाजत तुम्हारे आदमी की लाश की शक्ल में सामने आएगी। पिंकी। यस बॉस। तुम हर मिनट हर जगह रतन के साथ रहोगी। मिस्टर मोगैम्बो, अगर रेडी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मॉर्निंग मिस्टर माइकल। गुड मॉर्निंग मिस्टर माइकल। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिए, मेरा नाम माइकल नहीं, पार्कर है। पार्कर डिसिल्वा। आप मजाक कर रहे हैं। आपको यकीन दिलाने के लिए, हिंदुस्तान में मेरा कोई वाकिफ नहीं, लेकिन आप चाहें तो मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं। बाय द वे, आपकी तारीफ। मेरा नाम रतन है। आपका चेहरा मेरे एक दोस्त माइकल से मिलता है, इसलिए गलतफहमी के लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आप हिंदुस्तानी काफी अच्छी बोल लेते हैं। मैं खुद भी 50% हिंदुस्तानी हूँ। ओ, ओ, यानी कि आपके माताजी या पिताजी दोनों में से एक हिंदुस्तानी है। जी हाँ, मेरे पिताजी।
वो लंदन में बिजनेस करते थे, मैं वहीं पर पैदा हुआ। इसके अलावा मैं हिंदुस्तानी ज़बानें पढ़ भी लेता हूँ। आप ले लीजिएगा। जी नहीं शुक्रिया। हे रतन, कम ऑन। ओके मिस्टर पार्कर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर। सी यू मिस्टर रतन। पूरे 15 मिनट। नाउ यू आर परफेक्ट। तुम जैसा ट्रेनर हो तो आदमी को परफेक्ट होना ही पड़ेगा। हर आदमी तुम्हारे जैसा नहीं होता। अच्छाइयों में या बुराइयों में? मैंने तो अब तक सिर्फ अच्छाइयां देखी हैं। इजाजत हो तो बुराइयां भी दिखा दूं? आगे ना बकवास पर, चलो काम करो। कौन सा काम? टुक्की का। चली क्यों आई? यू ही। एक्टर अच्छी हो लेकिन आदतों से मार खा गई। मतलब? पिंकी मुझे हैंडसम कहा करती थी और तुमने मुझे मिस्टर कहा। तुम माइक से बचती हो जबकि पिंकी माइक से बेहद प्यार करती थी। पिंकी को पानी से खास लगाव था और तुम पानी से दूर भागती हो इसलिए कि तुम्हें आग की पुतली पहचाने का डर था। क्यों? हैंड्स अप। बहुत समझदार हो तुम। मिस, जुर्म की जिंदगी में समझदारी से ही काम लेना पड़ता है। और ज्यादा समझदारी तुम्हारी। छोड़ मुझे। देखो मिस, तुम्हारी तरह मैं भी किसी मजबूरी की वजह से यहाँ काम कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारी असलियत पता चल जाए तो शायद हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना 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 मुझे माइक से नकली पुतली के बारे में बताना पड़ेगा और तुम जानती हो माइक औरतों के मामले में। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ तुम्हारी असलियत। मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं पिंकी। और यहां नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं लेकिन खुली हवाएं किसी की चुगली नहीं खाती। मेरी रानी, जरा देख तो, ये देख, ये देख, ये देख, ये तू है और ये तेरी जुड़वा बहन सीमा। देखा? और दिखाती हूं। ये देख, ये है तेरे डैडी। और देख बेटा, ये देख, ये है हमारी शादी की तस्वीर। देखा? ये देख, तू और सीमा, तुम लोग जब 4 साल के थे ये तुम्हारी बर्थडे की फोटो है। लेकिन डैडी ने तो मुझसे हमेशा ये कहा कि हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे भागन से वो नाराज थे ना, मुझे उनकी आदतें पसंद नहीं थी, जुआ, शराब, गलत आदतें। बस एक दिन मुझे गुस्सा आ गया
बात ही बात में उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। मैंने बहुत कहा, मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, माफ कर दे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्या ये सच है कि तुम मेरी माँ हो? मेरी बच्ची, मेरी लाडली। वेल वेल, अपनों का मिलन मुबारक हो। आप? ये है तुम्हारे डैडी के दोस्त अजीत साहब, इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम नाथानी की बेटी हो, लेकिन मैं वहां तुमसे मिल नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हारी जगह वहां सीमा को भेज दिया। सीमा को? सीमा को क्यों? ताकि उनको शक न हो। लेकिन उनसे आपका क्या मतलब? हर चीज का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तुम्हारे साथ नाथानी भी नहीं थे। मैंने एक दोस्त के जरिए युगेंडा में मालूम किया, नाथानी वहां भी नहीं थे। एक सच्चे दोस्त के नाते हमारा फर्ज है कि अगर तुम लोग किसी चक्कर में उलझे हो तो तुम्हारी मदद करें। तेरे डैडी कहाँ है पिंकी? डैडी मोगामो के कब्जे में है। कौन है वो? कोई नहीं जानता, सिर्फ एक छड़ी सामने आती है, बिल्कुल आपकी छड़ी की जैसी, और वो खुद अंधेरे में रहकर हमें ऑर्डर देता है। उसने नाथानी को क्यों पकड़ा है? वो तुमसे क्या काम लेना चाहता है? वो डैडी से कोई नक्शा बनवाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है, किस लिए, कौन है वो, कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कहाँ गई थी? रतन को घुमाने। रतन को? एक छोटा सा बच्चा जिसे तुम घुमाने ले गई थी? तुम भूल गए हो, बॉस का ऑर्डर है कि रतन पर हर वक्त नजर रखी जाए। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि तुम मुझे भूल जाओ? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? यू आर माय लव। तुम्हें रतन से कोई दिलचस्पी नहीं? सिर्फ इतनी कि रतन हमारे मिशन का एक खास मोहरा है, और जितनी जल्दी मिशन पूरा हो जाए उतनी जल्दी मेरे डैडी मुझे वापस मिल जाएंगे। मतलब के लिए प्यार तो नहीं बदलता? डोंट बी सिली, प्यार कभी नहीं बदलता। कभी नहीं? कभी नहीं। तो फिर मेरे पास आ। फिर मेरे बात। पिंकी। माइक। तो माइक। नो। माइक प्लीज। नो। ये क्या कर रहे हो माइक? माइक। 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 माफ करना माइक, मैं तुम यहां क्यों आए हो? मुझे जरा बाहर जाना है। तो जाओ। शायद तुम भूल गए हो माइक कि बॉस ने पिंकी को मेरा निगरान बनाया है। पिंकी नहीं जाएगी। तो ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूं। माइक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जानते हो बॉस कितना बिगड़ेगा? रतन, मैं चलती हूं। चलो। तुम नहीं जाओगी। तुम पर शराब सवार है, मुझ पर नहीं। चलो रतन। गुड बाय माइक। माइक, पिंकी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं जिसे तुम्हारी मर्जी पर चलना पड़े। मेरा यह हुक्म था कि पिंकी हमेशा रतन के साथ रहेगी। आप तो जानते हैं पिंकी मेरी। वो तुम्हारी नहीं, ग्रुप की है माइक। अगली गलती तुम्हारी मौत भी बन सकती है। अब तुम जा सकते हो।
कोई खास बात है रतन? मेरे आदमी का क्या हुआ? हमने उसकी जिंदगी बख्श दी। काम पूरा होने तक वह हमारे पास ही रहेगा। मोगैम्बो ने मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। आखिर हुआ क्या है माइक? मैंने हर कदम पर उसका साथ दिया, लेकिन उसने कल के लौंडे के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे वार्निंग दे दी। ये तो वाकई मोगैम्बो की गलती है। अगर तुम चाहो तो उसे पकड़वा सकते हो। नहीं पिंकी, मैं बुजदिल नहीं जो गद्दारी करूं, लेकिन मैं मोगैम्बो को जरूर बता दूंगा कि माइक क्या है। जब तक माइक साहब नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर वो है कहां? आपके करीब। फरमाइए। मिस्टर माइक, मुझे आपके होटल की तलाशी लेनी है। तलाशी? वारंट मेरे पास मौजूद है। लेकिन किस लिए? ये तलाशी लेने के बाद मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे होटल में कोई ऐसा काम नहीं होता जो कानून के खिलाफ हो। सभी यही कहते हैं। ओके, आइए। चलिए। पकड़ो। अरे अरे, क्या हुआ? मिस्टर रतन, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं अपनी एम्बेसी के जरिए इन सबका हुलिया ठीक करा दूंगा। विदेशियों के साथ ऐसे सुलूक किया जाता है। लेकिन बात क्या है? आप नहीं समझते। हाँ हाँ, अब तुम इनको भी बहका दो, मैं एक एक को देख लूंगा। हाँ लेकिन मिस्टर, मैं समझा नहीं आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं। आप जरा इधर आइए। क्या बात क्या है? मैं पागलों का डॉक्टर हूँ और मिस्टर डिसूजा मेरे मरीज हैं। मिस्टर डिसूजा? लेकिन इनका नाम तो मिस्टर पार्कर है। ये पार्कर नाम पता नहीं इनके दिमाग में कैसे बैठ गया। जब भी इनको दौरा पड़ता है ये पागल खाने से भाग जाते हैं और कहीं भी चोरी करके किसी अच्छे होटल में ठहर जाते हैं। वैसे अभी तक इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, बड़ा अजीब सा केस है। पागलों के केस अजीब ही होते हैं। ले चलो इसे। चलिए मिस्टर डिसूजा। डिसूजा नहीं, पार्कर, पार्कर। प्लीज चलिए, देख लूंगा मैं तुम सबको। रतन, यस, तुम यहां हो तो मुझे कहां होना चाहिए था? पुलिस की हिरासत में। क्यों? 16 जनवरी की रात को तुम्हारी क्लब के सामने खून हुआ और मरने से पहले उस आदमी का तुमसे झगड़ा। इसका मतलब यह तो नहीं कि कातिल मैं हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम शहर से बाहर हो, जबकि तुम... मैं कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहता था, इसलिए मैं... इसलिए तुम्हें मेरे साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, किसी शरीफ आदमी को बिना वारंट के गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ है। मिस्टर माइक, कानून मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। कम ऑन मिस्टर रतन। रतन को साहब बुलाता है। हेलो पुलिस स्टेशन, कौन? माइक। क्या बात? होटल हिल्टन के मैनेजर तुम हो? यस माइक। माइक, रतन को किसी कीमत पर भी छुड़ाना चाहिए। जी जी, लेकिन... बैठिए इंस्पेक्टर, कोई अंदर ना आ पाए। ओके सर। आपने मुझे यहां... आप मुझे अजीत सक्सेना कह रहे हैं? कमिश्नर सर, लेकिन ये छड़ी आपके पास कैसे? मोगैम्बो की छड़ी जैसी है ना। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? पिंकी जितना जानती थी
हमें बता चुकी है और सीमा की रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हें भी फंसाया गया है। बैठो। उससे निकलना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है कमिश्नर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि लाखों रुपए देकर काम लेने की वजह क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जो वो हासिल करना चाहता है? हो सकता है उसे हासिल करके मुझे ज्यादा फायदा होता। लेकिन जब सीमा ने मुझे बताया कि पुलिस मोगैम्बो और मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है, तो मैंने आपसे मिलना ही मुनासिब समझा। तुम बदमाश हो रतन, इसलिए सामने बात करना जरूरी था। मैं बदमाश जरूर हूं कमिश्नर साहब, लेकिन ईमानदार। हाँ, आपसे एक भूल जरूर होगी। क्या? मुझे इस तरह बुलाकर छोड़ देना शक पैदा कर सकता है कि मैं पुलिस से मिल गया हूं। उसका हल मैं सोच चुका हूं। मिस्टर कपूर। यस सर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना है। यस सर। ओके रतन, उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आप बेफिक्र रहिए कमिश्नर साहब, रतन अपना फर्ज अच्छी तरह जानता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिस्टर माइक को बुलाओ। साहब आपको अंदर बुलाते हैं। मैं आ सकता हूं? आइए। बैठिए। मिस्टर माइक, रतन आपका दोस्त है। हमारी दोस्ती पर आपको एतराज है? डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, जो पूछूं का जवाब दो। जी, ये मेरा दोस्त है और मैं अच्छी तरह जानता हूं इसने कोई खून नहीं किया। आप इसकी जमानत दे सकते हैं? किस बात की जमानत मांग रहे हैं आप? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो तफ्तीश के बाद मालूम होगा। याद रखिए, पुलिस किसी को भी शक में गिरफ्तार कर सकती है। ओके, अगर आप कहें तो मैं अपने वकील को बुलाकर जमानत दिलवा दूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर माइक, आपका लाइटर। मेरा लाइटर? मेरा है। कमिश्नर के कमरे में पहले तुम गए, उसके बाद माइक, और फिर तुम्हारी जमानत देकर तुम्हें छोड़ा गया। हो सकता है तुम मेरे खिलाफ पुलिस से मिल गए हो। दुश्मन कभी दोस्त नहीं बनते मोगैम्बो। दुश्मन को खत्म तो करते हैं। क्या मतलब? कमिश्नर सक्सेना होटल के काफी चक्कर लगा रहा है, तुम उसे खत्म करोगे। मिस्टर मोगैम्बो, रतन कानून से बचकर काम करता है, उसे उलझ कर नहीं। मेरी तसल्ली और अपनी दोस्ती दिखाने के लिए तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। कीमत तुम? ये काम मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगा। भैया। माला, तू यहां? माला, तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो भैया? ये लोग कह रहे थे तुम्हारी पेन का एक्सीडेंट हो गया है, क्या ये सच है भैया? मैं जानता हूँ रतन, हिंदुस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं और मैं इंसान की दुखती रग को पकड़ने का भी आदि हूँ। मोगैम्बो, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। छोड़ दूंगा, लेकिन कमिश्नर की फाइल तुम्हें मिल जाएगी। भैया, ये लोग कौन है, कौन सी फाइल मांग रहे हैं? भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, कोई गलत काम मत करना। माला, तुझे अपने भाई पे भरोसा है ना? हाँ भैया, लेकिन वो मोगैम्बो, अगर मेरी बहन का बाल भी बीका हुआ तो मैं बेफिक्र रहो रतन, ये उतने ही आराम से रहेंगी जितनी तुम्हारे घर में। भैया, ये सब क्या है? माला, इस वक्त मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, फिलहाल तू वही कर जो ये लोग कह रहे हैं। चल। भैया, तुम
तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, चिंता मत कर, अब तू जा। पुलिस कमिश्नर सक्सेना का खून, तुमने एक देवता समान आदमी को मार डाला। मैं समझती थी तुम बदल गए हो रतन, मेरे प्यार ने तुम्हारी इस मदमाशी को खत्म कर दिया है, लेकिन तुम बात समझने की कोशिश करो सीमा। अगर मैं कमिश्नर को नहीं मारता तो मोगैम्बो तुम्हें, मुझे, मेरी बहन, तुम्हारे पिता सबको खत्म कर देता। हम सब मर सकते थे, लेकिन वो एक देश के रक्षक थे, उनकी जान हम सब जानों से ज्यादा कीमती थी। सीमा, देश के दुश्मन को पकड़ने के लिए देश के रक्षक का बलिदान ही उसे शहीद का दर्जा दिलाता है। सीमा प्लीज, तुम्हारी जरा सी नादानी बने बनाए खेल को ना बिगाड़ दे। अपने रतन को समझने की कोशिश करो। मैंने जो किया है वो हालात की, वक्त की जरूरत है। आओ आओ। Good afternoon, Mr. Mogambo. ये सेठ दीनदयाल हैं, होटल हिल्टन के मालिक। ओ, ये छड़ी हमेशा अपनों को बहकाती है। रतन, वैसे मैं तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का स्वागत करता हूँ। और मैं आपकी कदरदानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे, दिमाग के साथ जबान भी खूब चलती। जरूरत के लिहाज रतन की हर चीज चलती है। गुड गुड, दैट्स वेरी गुड, आई लाइक इट। मिस्टर दीनदयाल, रीना नजर नहीं आ रही? वो बंबई गई, शाम तक लौट आए। बहादुर साथियों, हर बड़े आदमी की मौत पर दुनिया शोक मनाती है। अजीत सक्सेना भी बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसकी मौत पर हम शोक नहीं मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। हाय डैड। ओह हेलो माय चाइल्ड, गुड इवनिंग, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बातें लगा दी, हाउस पार्टी है ना। कम ऑन, मिस्टर गुप्ता। हेलो मिस्टर शर्मा। हेलो मिस्टर पांडे। गुड इवनिंग। और माइक को तुम जानती हो? हाय। रीना, मीट रतन, हमारी आज की पार्टी की हीरो। काफी प्रेमती है। हाय, एक्सक्यूज मी, हाय सीमा। मेरा नाम पिंकी है। तुम्हारी एक्टिंग करने की आदत नहीं गई। आपको गलतफहमी हुई है मिस रीना, ये पिंकी है। ये अफ्रीका से मेरे साथ आई है भाई। इम्पॉसिबल,
मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। वही अंदाज, वही बात, वही सूरत। आप चेहरे पे चढ़ा लीजिए लाखों चेहरे, असली चेहरे को छुपाना तो बहुत मुश्किल है। अनजाने सूरत भी हमें लगती है पहचानी, कभी अनजाने सूरत भी हमें लगती है पहचानी, मगर ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं रानी। नजर है बदली बदली सी, अदा है जानी पहचानी। खुदा जाने तुम्हें किस बात पर है इतनी हैरानी, खुदा जाने तुम्हें किस बात पर है इतनी हैरानी। अजी ये वो नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं रानी। नजर है बदली बदली सी, अदा है जानी पहचानी। Ah
जाकर मशवरा कर लीजिए अपने वकीलों से। जरूरत क्या भला हमको किसी से मशवरे की है। तो फिर ये मान लो चुपचाप के ये और कोई है, मगर ये झूठ है सारा। तो फिर लाओ सबूत इसका, लचकती चाल में मस्ती, जवानी में रहे सबकी, हमें नादा समझते हो, अजी क्यों गुस्सा करते हो, ये पर्दा चाक कर देंगे, इरादा खाक कर देंगे, ये पर्दा चाक कर देंगे, इरादा खाक कर देंगे, हमसे जो जीत सके ऐसा जमाने में नहीं, हार का जिक्र कहीं अपने फसाने में नहीं। कहा अब कुछ तो पछताना पड़ेगा तुझको दीवानी, कहा अब कुछ तो पछताना पड़ेगा तुझको दीवानी, नहीं ये वो नहीं ये रो नहीं ये वो नहीं रानी, कभी अनजानी सूरत भी हमें लगती है पहचानी। अपना ख्याल रखना रतन। पहचानो तो अच्छा है मिस पिंकी, अब खबरदार गन उठाने की कोशिश मत करना। ए, तुम इसकी जगह आ जाओ और यहीं रहना। देखो तुम फिल्म लेकर सीधा हवेली आ जाना, वरना तुम्हारी माँ। धमकी देने की जरूरत नहीं, वादा किया है पूरा भी करूंगी। गुड, चलो।
सिलेंडर लेकर रिकॉर्डर में चले जाओ और ग्रीन फाइल डॉक्टर शाह को ला दो। मैं जरा बाथरूम हूँ क्या, लेकिन मुझे ये केमिकल्स लेबोरेटरी में पहुंचाना है। अरे यार ये केमिकल्स मैं लेके चला जाऊंगा, तुम लेके आ दो फाइल। मुझे ब्लू फाइल चाहिए। ब्लू फाइल? या हेलो एक्सक्यूज मी, आप 11 नंबर लॉकर से निकाल लीजिए। यस सर, यस, ओके सर। साइन नहीं करोगे? थैंक यू। बस मैं आ गया। ओहो, मैंने तुमको ग्रीन फाइल लाने के लिए बोला था, तुम ब्लू फाइल ले आए। मैंने तो ब्लू ही सुना। तुम जाओ, मैं लेके आता हूं। फंसाने में नहीं, करोड़ों रुपए का राज इस कैमरे में है। अब मैं अपने पिताजी से मिल सकूंगी। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? मैं घोड़ा लाती हूँ। सीमा,
लोग? माइक साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माइक? जल्दी भी क्या है, पहले हमें हमारी चीज तो दे दो। पिंकी, पिंकी, हाँ माइक, सीमा मेरी जुड़वा बहन है और ये मेरी माँ। ओ, तब भी मैं कहूँ इतना मेल कैसे? खैर, वो फिल्म कहाँ है? फिल्म मेरे पास है माइक, लेकिन जब तक मुझे मेरे पिताजी नहीं मिल जाते, ये फिल्म किसी को नहीं मिलेगी। पागल बनने की बात मत करो पिंकी, इससे पहले कि मुगैम्बो को खबर हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये हवेली भी मुगैम्बो की खोज है। मैं मुगैम्बो का इंतजार करूंगी। जिस पिता के लिए मैंने सब कुछ किया, उनकी कुर्बानी में किसी कीमत पर नहीं दे सकती। भूल जाओ उनको, भूल जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? इसलिए, इसलिए कि वो मर चुके हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा दिल दुखे, लेकिन नक्शे बनाते ही वो मुंबा के हाथों मारे गए। तुम अभी बच्चे हो माइक, इतनी कीमती चीज संभाल नहीं पाओगे, किसी ने चुरा ली तो मुश्किल होगी। वेल डन डैडी, आप बड़े अच्छे मौके पर आए। बांधो इन सबको, ताकि मुगैम्बो अपनी नाकामी की झुंझलाट इन लोगों में निकाल सके। उसी वक्त होगा जब तुम भी उनमें बंधे होगे दीनदयाल। रिवॉल्वर फेंक दो। मुगैम्बो के सभी अपने गैर निकलेंगे, इस बात की उम्मीद मुझे भी ना। खवाजा रतन, अगर अपनी महबूबा की जिंदगी चाहते हो तो कैमरा और गन मेरी तरफ फेंक दो। नहीं रतन, देश की कीमती राजों पर मुझे कुर्बान हो जाने दो। नहीं सीमा, मेरे लिए इस फिल्म से ज्यादा तुम्हारी जान कीमती है। संभालो माइक। वेल डन पिंकी। आप हम दोनों इसको बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, अपनी खुशी के लिए देश का सौदा न करना पिंकी। दीदी, वो फिल्म रतन को दे दो दीदी। नहीं सीमा, मैं वही करूंगी जो माइक कहेगा। माइक मुझसे मोहब्बत करता है और मैं माइक से, और हम दोनों शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे। के बाद शायद तू नहीं जानता, प्यार में अगर औरत अमृत बन जाती है तो धोखा उसे जहरीली नागिन बना देता है। बहुत खूब पिंकी, हम तुम्हारे इंसाफ से बहुत खुश हुए। ये इसी काबिल था। अल्बर्टो, मैं ग्रुप में गूंगा बहरा बनकर रह रहा था ताकि किसी भी गद्दार को पहचान सकूं। मुगैम्बो, जो धोखा मुझे माइक ने दिया है उसमें तू भी बराबर का हिस्सेदार रहा है।
मैं तुझे भी नहीं रतन, तुम चाहो तो हम पार्टनर बन सकते हैं। मेरे पास पार्टी तैयार है, जो इन राजों का 50 करोड़ रुपया देने को तैयार है। मिस्टर दीनदयाल, एक सीबीआई ऑफिसर होने के नाते मैंने कानून की हिफाजत करना सीखा है, दोगला बनना नहीं। सीबीआई ऑफिसर? हाँ, तो मिस्टर मोगैम्बो, हमें खबर मिली थी कि तुम हिंदुस्तान आ रहे हो, और यह भी पता चला कि जहां भी तुम जाते हो वहीं के बदमाशों से काम लेते हो। मैं बंबई आया, अपने आप को बदमाश मशहूर किया ताकि तुम अपना जाल फेंक सको। तुमने अपना जाल फेंका लेकिन खुद फंस गए। मैं नहीं समझता था कि हिंदुस्तान की पुलिस इतनी चालाक निकलेगी। लॉन्च रेडी है, हम लोग 2 घंटे के अंदर इस कंट्री से बाहर चला जाएगा। बेवकूफ ऑफिसर, मोगैम्बो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है। मोगैम्बो, अल्बर्टो को देखते ही मैं ये समझ गया था कि तुम किसी लंबे दांव पर हो,
इसलिए मैंने उसे यह भी बता दिया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, ताकि तुम ये समझ लो कि मैं धोखा खा गया। दरअसल धोखा तुमने खाया है मिस्टर मुगैम्बो। तुम ये भूल गए कि सांस रोकने की ट्रेनिंग तुम इन्हें मुझे दिलवाई। रतन, मैं तुम्हें बदमाश समझता था, लेकिन तुम महाबदमाश निकले। बाकर, तो इसका मतलब वो कार्ड नकली था? ये न भूलो कि तुम्हारी बहन और रेड्डी मेरे कब्जे में है। ये तुम्हारी गलत फहमी है मुगैम्बो, वो पुलिस की हिफाजत में है। कमिश्नर सक्सेना। यस मिस्टर बाकर, कमिश्नर अजीत सक्सेना की मौत सिर्फ एक बहाना था ताकि तुम्हारा भरोसा मुझ पर कायम रहे। ये लाइटर जो कि एक ट्रांसमीटर है, इसके जरिए हर पल की खबर हेडक्वार्टर में टेप रिकॉर्ड हो रही थी। कमिश्नर साहब, देश का दुश्मन आपके कदमों में है। गेट अप, अरेस्ट हिम। रतन, कानून का सर बुलंद करने वाले तुम जैसे वफादार बहादुर ऑफिसर ही हुआ करते हैं। वेल डन ऑफिसर। थैंक यू सर। गुड बाय।